सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है R9 TV पर। जी धन्यवाद। सर, जब आपके यहाँ तैनाती हुई थी 2017 में, तो मेरठ में अपराध बहुत चरम पे था, और जब से आप आए हैं हमने देखा है अपराध कम हो गया है और पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो ये कैसे सफल हो पाया सर? देखिए, किसी भी सिस्टम में किसी व्यक्तिगत आदमी का वैसा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो शासन की ऐसी नीतियाँ हैं और हमारे जो मुख्यालय पे हमारे पुलिस प्रमुख हैं उनका लगातार दिशा निर्देश है। वर्तमान सरकार में ये स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम और क्रिमिनल के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हो, और इसके अलावा जो माफिया तत्व हैं या जो पेशेवर अपराधी हैं इन पे कठोरतम कार्रवाई की जाए, उसके तहत ही लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और योग्यता के आधार पे पोस्टिंग की जाती है। और बताने में ये काफ़ी हर्ष है कि पिछले 2.5 साल से किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति या कोई ऐसे अपराध की स्थिति नहीं हुई जो कि जोन के बाहर के अधिकारी जिनको आके सुपरविज़न किए हों, और ये एक टीम वर्क है और इस टीम वर्क के तहत ही काम होता है। सर, अगर मैं बात करूं तो 2001 से 2003 के बीच में जो आपने 158 इनकाउंटर किए, इसलिए आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, तो वो कैसे संभव हो पाया था सर इतनी बड़ी उसमें करना? ये मैंने जैसे बताया कोई व्यक्तिगत चीज़ें नहीं है इसमें, लेकिन जो सरकार की नियम सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उसके तहत ही कार्य किया जाता है, तो एक ये टीम वर्क है। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कुछ ऐसे भी अपराधी होते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस पर फायर करते हैं, और पुलिस के पास जो प्रदत्त अधिकार हैं उसके तहत ही पुलिस जवाब आत्मरक्षार्थ भी फायर करती है, उसमें कैजुअलिटी भी होती हैं, दोनों तरफ से होती हैं। तो अभी बहुत अच्छे कार्य वर्तमान सरकार में चल रहे हैं और लगभग सिर्फ हमारे अपने मेरठ जोन में ही लगभग 56 बदमाश अब तक मारे जा चुके हैं, और करीब 900 ऐसे लोग हैं जो घायल हुए हैं, तो लगभग 200-250 हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो एक ये प्रोफेशनल चुनौती है जिसको पुलिस ने स्वीकार किया है। सर, आपने अभी कुछ टाइम पहले शपथ दिलवाई थी लोगों को कि नशे से दूर रहें, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नशा, जो नशे का कि लोग आदि हैं, वो एक ये काफ़ी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं और एक विशेष सर्किल बन जाता है जो नशे के आदि हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने अपने स्टाफ को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी है और इसके लिए मॉड्यूल चलाया है, और लोगों को नशा ना करने के संबंध में और नशा के जो दुर्व्यवहार हैं, दुष्परिणाम हैं, उससे भी उनको रूबरू कराया गया है और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम। आपने ये थी हमारी खास बातचीत मेरठ के ADG प्रशांत कुमार के साथ। फराह खान, कैमरा पर्सन केसर के साथ R9 TV।